ये बहुत ही प्यारी जिम्मेदारी मुझ पर सौंपी गई है कि निलिमा जी का जो है परिचय एक मैं आपको दूँ छोटा सा संक्षिप्त परिचय, क्योंकि इनका अगर पूरा परिचय देने जाऊँगा तो शायद पूरा प्रोग्राम उसमें खत्म हो जाएगा, ऐसी विभूति है। तो निलिमा खरजान जी जो है दूरदर्शन के अपर महानिदेशक पद से सेवानिवृत्त हुई है। निलिमा जी बीबीसी वर्ल्ड सर्विस की प्रसारण पत्रकार रह चुकी है और वनस्पति विज्ञान में PhD, कार्मिक प्रबंधन यानी पर्सनल मैनेजमेंट में डिप्लोमा और लॉ यानी LLB की डिग्री प्राप्त करने के बाद आप दिल्ली विश्वविद्यालय में प्राध्यापक बनी। फिर उसके बाद आकाशवाणी में राजपत्रित अधिकारी के रूप में यह कार्यरत हुई और उसके बाद सीमा सुरक्षा बल में पहली महिला अधिकारी के रूप में आपके नियुक्ति हुए। वर्तमान समय में एक प्रतिष्ठित चित्रकार भी हैं और आपकी पेंटिंग्स आर्ट फ्रॉम द मार्जिन्स नाम की वेबसाइट पर उपलब्ध भी है। एक बार फिर मिले मार्जिन के लिए आज जो ये कार्यक्रम इस सुंदर जगह पर हो रहा है, इसे हमें जिसने जिन्होंने उपलब्ध कराया है वो प्रमोद जी आज यहाँ पे उपस्थित है, तो उनको वो चाहूँगा कि वो आए हमारे साथ मिलकर गए। इनकी पुस्तक का लोकार्पण हो रहा है। राजेश जी बड़ी भागदौड़ी में है, कहाँ पर है? अरे राजेश जी भैया आपको तो बड़ी खास आना चाहिए, तो बिना बुलाई हो जोरदार ताली स्वागत कीजिए राजेश जी। सैमुअल जॉनसन जी कहते हैं एक लेखक पुस्तक का केवल आरंभ करता है, उसका समापन करता है पाठक। हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं अभिनेता और कवि अरुण शेखर जी से निवेदन करता हूँ कि वो राजेश जी का जो काव्य संग्रह है उसकी जो भूमिका है, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध और वरिष्ठ कथाकार सूरज प्रकाश जी ने लिखी हुई है, वह भूमिका हमें पढ़कर सुनाए और इस काव्य संग्रह में से राजेश जी की एक कविता ने हमें अपनी खूबसूरत आवाज में पढ़कर सुनाए, तो जोरदार ताली से स्वागत कीजिए अरुण शेखर जी का। बहुत बहुत स्वागत है और पहले बधाई राजेश जी को जिनकी इस पुस्तक के बारे में चर्चा हो रही है, जिसका लोकार्पण हो रहा है और जिसकी भूमिका जिसने लिखा है वरिष्ठ रचनाकार सूरज प्रकाश जी, उसका मैं पाठ कर रहा हूँ और उसके बाद कविता प्रारंभ करते हैं। राजेश ऋतुपर्ण की भीतरी दुनिया की एक यात्रा। पिछली सदी के सबसे बड़े अभिनेता चार्ली चैपलिन ने एक बार कहा था कि कविता दुनिया को लिखे गए खूबसूरत प्रेम पत्र की तरह होती है। मैं इसी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। कविता तो मन की बात होती है, अभिव्यक्ति का सबसे सशक्त और आत्मीय माध्यम होती है। वो मन की तरंग की तरह होती है। हम जिस तरह से किसी के प्रेम पत्र में खामियां नहीं ढूंढते, बल्कि प्रेम पत्र के भीतर शब्द शब्द में पिरोए खूबसूरत एहसास और उसमें महकती प्रेम की गहराई को महसूस करते हैं, वही बात कविता पर भी लागू होती है। कविता मेरे लिए किसी भी आलोचना से परे होती है। कविता को कविता की तरह स्वीकार किया जाना चाहिए और उसका स्वागत किया जाना चाहिए। ये सारी बातें मुझे राजेश के पहले काव्य संग्रह क्या है जो मेरा है कि कविताओं से गुजरते हुए महसूस हो रही हैं। स्थानीय बोलचाल की भाषा की पुरसुकून महक लिए, आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले शब्दों में और बिना लाग लपेट के लिखी गई इन कविताओं में वे कहते कम और संकेत ज़्यादा करते हैं। हर कविता अपने आप में एक विजुअल है, एक ऐसा विजुअल जिसे परखने के लिए आपको कवि होना पड़ेगा। अगर एक भी कविता का विजुअल छूट गया तो कविता हमारे भीतर उतरकर वही हलचल, वो रोमांच और वही थरथराहट पैदा नहीं करेगी जिन बिंबों से राजेश ने अपनी कविताओं का ये संसार रचा है। इस संग्रह की कमोबेश सभी कविताएं राजेश की भीतरी और बेहद नाजुक दुनिया के अलग ही तरह के एहसासों के रेशों से बुनी गई कविताएं हैं। वे बेशक अपनी कविताओं के जरिए कोई बहुत बड़ी क्रांति की या दुनियावी बात नहीं करते और ना ही इस तरह का दावा करते हैं कि वे जिंदगी के किसी बड़े कैनवस की कोई बड़ी रचना कह रहे हैं। वे तो बस मौज में आकर कुछ बेहद नाजुक, बेहद आत्मीय और अपने से लगते शब्दों के जरिए मन के कुछ अंतरंग कोने हमारे सामने खोलते हैं, अपने कुछ एहसास हमसे शेयर करते हैं।
कुछ शब्द चित्र बनाते हैं और कहते हैं कि लो कविता बन गई तो आपकी कविता कहने की मेरी तो यादा है। और सच मानिए उनकी कविता कहने की अदा न दूसरों से केवल जुदा है बल्कि नयापन लिए हुए भी है। बहुत कम शब्दों में कही गई ये कविताएं अपने आप में मुकम्मल हैं। हर कविता एक शब्द चित्र है। ऐसे शब्द चित्र हमें बिरले ही नज़र आते हैं। ये कलात्मकता उनके जीवन के प्रति आस्था सकारात्मक सोच और जीवन के प्रति विश्वास से ही आती है। राजेश ने बहुत कम शब्दों का सहारा लेकर कुछ बेहद खूबसूरत कविताएं लिखी हैं। ये कविताएं एक एक शब्द के शीर्षक और विषय वस्तु के साथ उनकी निजी जिंदगी के एल्बम की तरह हमारे सामने खुलती हैं। इस संग्रह में क्या है जो मेरा है, वस्तुतः पोशाक, अतीत, सच, गिद्ध, स्त्री, बेटी के लिए, पथिक, आईना, रंगमंच, चाय, अलमारी, सन्नाटा, बंटवारा जैसे एकल शब्दों को लेकर कविताएं रची गई हैं। बेहद आत्मीय विषयों को कविताओं के बारीक दाने दाने में पिरोया गया है। ये कविताएं पाठकों के सामने जिंदगी का कोई बड़ा कैनवस लेकर नहीं आती। हर कविता एक झलक की तरह है। राजेश बहुत नाजुक तरीके से अपने इन छोटी छोटी कविताओं के जरिए अपने मन की गुत्थियाँ खोलते हैं और एक झलक दिखाकर अगली कविता की तरफ बढ़ जाते हैं। इन कविताओं में आप संगीत की सरसराहट महसूस कर सकते हैं, प्रकृति के सारे रंग देख सकते हैं। इनमें हमारे जीवन की सुबह का उजाला है जो हमारे जीवन को खूबसूरत, बेहद खूबसूरत बनाता है। अतीत कविता तो पूरी की पूरी एक एक शब्द से शब्द चित्र बनाते हुए लिखी गई है। ये कविता आप यथास्थान पढ़ेंगे। बेशक ये बिंब बाहरी दुनिया से लिए गए हैं लेकिन हम सब के परिचित और जाने पहचाने लगते हैं। ये कवि की खूबी है। राजेश को प्रकृति के रंगों की पहचान है और ये सारी चीज़ें उनकी हर कविता में नायाब तरीके से पिरोई हुई लगती हैं। वो हमें आश्वस्त भी करती हैं और संसार में ले जाती हैं जहाँ उनका पुरसुकून अकेलापन है, उनके सपने हैं, राज हैं, चाहते हैं। वे अपनी दुनिया में मस्त हैं। उन्हें ना जीवन से और ना ही खुद से ही कोई शिकायत है। वे हमें एक ऐसी दुनिया की सैर कराते हैं जिसकी हम चाहत रखते हैं। काश हम भी ऐसी दुनिया के बाशिंदे हो सकते। राजेश की संक्षिप्त लेकिन खूबसूरत कविता संग्रह का स्वागत है। वे खूब प्रेम करें, खूब प्रेम पाएं, खूब प्रेम कविताएं लिखें और अपने संसार को खूबसूरत बनाए रखें। राजेश ने अभी और लिखना है और खूब अंतरंग यात्राएं करनी हैं और कविताओं के ज़रिए हमें अपनी दुनिया की सैर करानी है। वे मूलतः गज़ल के इलाके से आते हैं लेकिन अपनी पहली कविताओं के ज़रिए इसलिए प्रवेश कर रहे हैं कि बाद में कविताएं शायद दिन की रोशनी ही न देख पाएं। आमीन। सूरज प्रकाश, गुरुग्राम, 7 सितंबर 2021। अलमारी। एक अलमारी है मोहब्बत की किसी कोने में मैंने रखी है। एक अलमारी है मोहब्बत की किसी कोने में मैंने रखी है। चीज़ें जितनी भी हैं पुरानी हैं, फूल सूखे हुए कुछ अकड़े से जाने कब से किताबों में उलझे। इन किताबों की भी कहानी है। मैंने देखा है इन किताबों को तेरी आगोश से फिसलते हुए। तुम अपनी जुल्फ को उंगलियों से हल्के हल्के से जब घुमाती थी, ये वही किताब है जिनके पन्ने खुद से ही पलट जाते थे। इन खतों का छोटा बक्सा है जो रखा है ऊपरी तह पर, सबसे महफूज जगह है वो ही। इन खतों का छोटा सा बक्सा है जो रखा है ऊपरी तह पर, सबसे महफूज जगह है वो ही। मुझे सब सामने से दिखता है। किसी तन्हाई से गुजरते जब मुझे कुछ तेरी याद आती है, मैं समझने को कुछ नया जैसे वही खत बार बार पढ़ता हूँ। मैं समझने को कुछ नया जैसे वही खत बार बार पढ़ता हूँ। मेरी अलमारी का मैं ये हिस्सा बहुत ही इस्तेमाल करता हूँ। किसी कोने में रखा है रुमाल, किसी कोने में रखा है रुमाल, बड़ी पोशीदगी से तह करके, ये वही है निशानी उल्फत जो तुमने ही भूल से रख छोड़ा था। एक बाजू जिधर तुम बैठी थी, जाने किस बात से खफा होकर तुम अचानक से उठ गई थी। यूं मैं तुम्हें रोक तो नहीं पाया पर ये रुमाल रह गया था मुझ पर।
तेरी खुशबू समेटे हाथों में मैं तुम्हें रोकता रहा केवल, और तुम इस कदर खफा थी कि तुमने देखा ही नहीं पलटकर। मैं तुम्हें चाहकर भी उस दिन से इसको वापस कभी न कर पाया, तुमने भी शायद अपनी मर्जी से इसको वापस कभी नहीं चाहा। अब मैं ये सोचकर भी हंसता हूँ, एक रेशम की चीज से कैसे तुमने यूं मुझको बांध रखा है। अब मैं ये सोचकर भी हंसता हूँ कि एक रेशम की चीज से कैसे तुमने यूं मुझको बांध रखा है। मेरी एक शर्ट है पुरानी सी, आज भी थोड़ी थोड़ी उजली है इसकी सिलवट, मगर जो देखो तो ऐसा लगता है जैसे ताज़ा है। तुम एक रोज़ मेरे कांधे पर अपना सर रख के सो रही थी, जब तेरी जुल्फों के घने साए से कुछ एक ख्वाब छिटक आए थे तेरी यादों के इस पिटारे से। यही वो चीज़ है कि जो तुम हो, अब भी लिपटी हुई उसी तरह मेरे कांधे से सीने तक जैसे, और मेरी रूह में तुम ही हो। न जाने ऐसे कितने किस्से हैं, न जाने ऐसे कितने किस्से हैं छिपके बैठे हुए हर हिस्से में। मेरी अलमारी मोहब्बत में कितना सामान बिखरा बिखरा है। कुछ एक शेर तुम पे लिखे थे, कुछ एक नज़में कहीं पन्नों पर, कुछ मेरी डायरी को हिस्से। कुछ एक शेर तुम पे लिखे थे, कुछ एक नज़्म कहीं पन्नों पर, कुछ मेरी डायरी के वो हिस्से जिनमें तुम जिक्र बन के आती हो। तेरी आँखों की नकल की कोशिश मैंने की थी अधूरी ड्राइंग में, तेरी आँखों की नकल की कोशिश मैंने की थी अधूरी ड्राइंग में। जो हमने साथ साथ देखी थी सिनेमा की पुरानी वो टिकटें मुझे अब भी ख्याल देती हैं। कहाँ थे हम, कहाँ पे बैठे थे, मेरी तस्वीर एक टेढ़ी सी तुमने हंसते हुए बनाई थी, मैंने झट से जो तुमसे छीनी थी किसी किताब में छिपाई थी। किसी किताब में ऐसे ही छिपाया था गुलाब चाहत का, उस सूखे फूल जिनकी खुशबू से दरो दीवार अब महकते हैं। महकता हूँ मैं जैसे खुद भी अब गुलाब जैसे कोई सूखा सा। तू है मेरी किताब सांसों की, मैं तेरी याद में महकता सा। तू है मेरी किताब सांसों की, मैं तेरी याद में महकता सा। एक अलमारी है मोहब्बत की, दिल के कोने में कहीं रखी है दिल के कोने। हमने अपने का जलवा दिखाया है, कागज है, दर्पण है, कोर्ट मार्शल है, और कई फिल्में हैं, और साथ साथ इन्होंने कई ऐसे प्रतिष्ठान हैं जहाँ आरजे के रूप में एक वॉइस आर्टिस्ट के रूप में भी लगातार सक्रिय रहे हैं। तो अमर शेखर ने बहुत अच्छी तरह ये सूर्य प्रकाश की भूमिका पेश की, उनको नमस्कार। चित्र नगरी संवाद मंच की ओर से सृजन संवाद कार्यक्रम के अंतर्गत 10 जुलाई को कवि राजेश ऋतुपर्ण के काव्य संग्रह क्या है जो मेरा है का लोकार्पण किया गया। आप सब यहाँ पधारे, और खासकर देवानंद सर को, नवीन सर को, मैम जो आचार्य हैं हमारे मुख्य अतिथि का उन्होंने निवेदन स्वीकार किया, और प्रमोद जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ जिनके माध्यम से हम यहाँ पर आज बैठे हैं। और इन शब्दों के साथ मैं अपनी ये पुस्तक आप सबके हवाले करता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। कार्यक्रम की अध्यक्षता शायर मंच संचालक श्री देवमणि पांडे ने की, मंच संचालन शायर श्री नवीन जोशी ने किया। ये कार्यक्रम मृणालताई गोरे सभागृह गोरेगांव पश्चिम में संपन्न हुआ। एक बहुत बड़े कवि की कविता की कुछ लाइनें हैं, ये घाट कभी जिस पर हंसकर, या घाट वही जिस पर हंसकर, वह कभी नहाती थी हंसकर, आंखें रह जाती थी हंसकर, कपते थे दोनों पांव बंद, बांधो नाव इस ठाव बंद। साहित्य को समर्पित इस चैनल शेखरवाणी को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये चैनल आपको कैसा लगता है। फिर मुलाकात होगी किसी नए विषय के साथ।